नमस्कार, आप देख रहे हैं बागमती न्यूज। मैं हूं दिनेश सहनी आजाद गांधी। इस वक्त मेरी मौजूदगी बलौड़ में है, यहाँ पे जो है सो राम जानकी मंदिर है। और जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर ब्रह्मानंद जी मुजफ्फरपुर के हर क्षेत्र में घूम घूम कर जो है सो जरूरतमंदों के बीच दवा वितरण का काम करते रहे हैं। आज इनका जो कार्यक्रम है यहाँ है, मुझे बहुत खुशी होती है कि समाज में ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंदों को सेवा में लगे हुए हैं। कई बार देखते हैं, जब हम सोशल मीडिया देखते हैं, तो लोग जो है सो ज्यादातर शेयर करते हैं कि मोदी जी के खिलाफ बोल दे तो मोदी जी के विरोधी उसको खूब शेयर करता है, राहुल गांधी के खिलाफ बोल दे तो राहुल गांधी के विरोधी उसको खूब शेयर करता है। हम आप लोगों से आग्रह करते हैं कि जो मानवता की सेवा कर रहे हैं उसको भी थोड़ा शेयर कीजिए, हिम्मत बढ़ेगा, कमेंट भी करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे जो दर्शक हैं उनसे आग्रह है, और डॉक्टर ब्रह्मानंद जी को भी कहेंगे कि आज के युवाओं के लिए कुछ संदेश दीजिए, कहिए। देखिए, हम क्या संदेश देंगे, हम तो खुद ही अभी सीख रहे हैं और कैसे जो है गरीबों के बीच में जाया जाए। अभी हम अनुभवी तो हम उतना अनुभवी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी है कि देखिए, मानव जीवन मिला है तो उसको उपयोग करिए, ठीक है। अपना जो है निजी जो रोजमर्रा की जिंदगी में सभी लोग व्यस्त रहते हैं, चूंकि आर्थिक युग है, तो उसके बाद जो बचा समय मिले वो समाज के लिए थोड़ा निकालिए। हमारा यही उद्देश्य है कि हम लोग जो अपना निजी जिंदगी में जो परिवार के अतिरिक्त जो समय बच रहा है, पहला है कि परिवार को देखिए, परिवार कैसे, परिवार के बाद जो समय बच रहा है जो इसमें आप जो है सो थोड़ा सा समाज के लिए निकालिए उस समय को आप लोग। अब हम लोग हैं कि अपना जो निजी जिंदगी में जो परिवार है, क्लिनिक है, उसके बाद बचा हुआ समय है तो हम लोग समाज के लिए निकालते हैं। समाज में जो गरीब लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनके बीच जाके अनुभव भी प्राप्त होता है और सेवा करने का मौका भी मिलता है। जैसे हमारे बीच में भरत पासवान जी हैं, मदन पासवान जी हैं, राकेश झा जी हैं, दिनेश सहनी जी हैं, और बहुत लोग हैं जो अमरजीत पासवान जी हैं, बहुत लोग हैं। इन लोग से मौका मिलता है और बहुत सारे चीज बातों का, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो इसे सीखने का मिलता है। तो हम तो कहेंगे कि अपना रोजमर्रा की जिंदगी से समाज के बीच में भी सभी लोग, अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा समय अगर समाज के बीच में निकाल लेंगे तो समाज जो आज गरीब समाज है वो गरीबी से वो खुशहाल हो जाएगा और फिर भारत जो एक आत्मनिर्भर की ओर जो है बढ़ेगा। अब जब तक ये गरीब जो है गाँव की बुनियाद होते हैं, देश की बुनियाद होते हैं, अगर उस गरीब को जब तक स्वस्थ नहीं किया जाएगा, मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक देश कैसे मजबूत होगा। अब घर का बुनियादे खराब हो जाए तो घर कमजोर हो जाएगा, तो घर के बुनियाद को जो मजबूत करने के लिए आना चाहिए और लोगों के बीच जाइए और जहाँ तक हो सके अपने एक ही आदमी, दुई आदमी जो भी है उसकी सेवा करिए, उसी से जो है आपका जो विकास होगा। समाज महान पुरुष थे अम्बेडकर जी, उसके बाद स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का एक स्लोगन था, जो हम चले हैं उस गांव में दिया जलाने जहां सदियों से अंधेरा था। तो हम लोग राम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो आज हम लोग के बीच नहीं रहे, तो हम लोग उन्हीं के विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए गांव-गांव में गरीबों की सेवा करने हम लोग निकल रहे हैं और गरीबों कैसे स्वस्थ रहे इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद, आगे भी करते रहे। बलौर पंचायत निधि के अंतर्गत हमारे ब्रह्मानंद सहनी जी का जो ये कैंप पूरे मुजफ्फरपुर में लगते आया है, और ये कैंप लगाने का इनका मकसद है कि स्वास्थ्य जो हमारे परिवार, हमारे वार्ड, हमारे गांव, इन सब में जो गरीबों का जो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, जहां पे दवा मतलब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है पैसे के वजह से, जहां तक सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर कोई जाते हैं या हम ही जाते हैं तो वहां पे पूरे दिन लग जाता है और सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। और ये बीड़ा हमारे बड़े भाई ब्रह्मानंद सहनी जी उठाए हैं कि मुजफ्फरपुर में घूम घूम के जहाँ पे अगर स्वास्थ्य की कमी है वहाँ पे पूरा करने के लिए हम लोग सहयोग करते हैं, उनके साथ में हैं और कामना करते हैं कि हम लोग बड़े भाई ब्रह्मानंद सहनी जी के साथ में मिलके यही सेवा करते रहे। और सबसे पहले तो हम मतलब अपने मीडिया प्रभारी बड़े भाई को मतलब धन्यवाद करते हैं कि जहाँ पे भी अगर हमारे प्रोग्राम होता है, मतलब पूरे मुजफ्फरपुर में जनता को
तक ये बात पहुंचाने का काम करते हैं। और कहीं से भी अगर हम लोग को अगर इनवाइट होता है कि राकेश झा अगर हमारे यहाँ पे ये रखा जाए कैंप, तो हम वहाँ पे बड़े भाई के सहयोग के साथ वहाँ पे, और हमारे सबसे बड़े तो ये डॉक्टर साहब लोग को हम लोग धन्यवाद देते हैं, ये जो हमारे मुजफ्फरपुर और ये मतलब बलोर धरती पे आए हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज गायघाट प्रखंड के बलौर पंचायत में बलौर ग्राम में राम जानकी मंदिर बलौर में इस परिसर में डॉक्टर ब्रह्मानंद जी के माध्यम से जो आज मुफ्त में जांच और मुफ्त में दो दवा का आयोजन किया गया है, इनका जो ये कार्य जो है बहुत ही सराहनीय है। और इसी प्रकार से इन्होंने पूरे मुजफ्फरपुर जिला में घूम घूम करके इस तरह का आयोजन कर रहे हैं और गरीबों को स्वास्थ्य सेवा का इन्होंने सेवा दे रहे हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भगवान से कामना करता हूं कि इनकी लंबी आयु हो और मुजफ्फरपुर जिला में लंबे समय तक इस तरह का समाज का सेवा करती रहे। मैं मदन पासवान और हम पुनः कहना चाहते हैं कि बताया जाता है धन का तीन रास्ता है, दान भोग नाश। अगर खूब संपत्ति है तो कुछ दान कर लीजिए, दान नहीं करना है तो भोग कर लीजिए, ये दोनों नहीं कीजिएगा तो नाश स्वतः हो जाएगा। तो आपके पास जितनी क्षमता है उसी में जो है सो दान कीजिए। मेरे कुछ साथी की मदद से और खुद मैं बराबर जो है सो रक्त दान करता रहा हूँ, ठीक है। और किसी को भी जरूरत रहा हो, बगैर कोई जाति धर्म देखे, कोई किसी का भी, अगर किसी से मुझसे झगड़ा भी हुआ है, अगर उसको ब्लड की आवश्यकता रही है तो मैंने दिया है आगे बढ़ के और दिलवाया भी हूँ। तो इस तरह की भी अगर कोई हमसे मदद हो तो हमारा नंबर है, आपको इस पे दिखेगा, आप कॉल कीजिएगा, आस पड़ोस में जो भी रहेगा जहाँ से हो हम आपकी मदद करेंगे, करवाने की कोशिश करेंगे, हमारा जो प्रयास होगा। और ये भरत पासवान जी हैं अम्बेडकर विचार मंच के, इनसे भी कुछ जान लेते हैं, आप बोलिए कुछ। युवा वर्ग से मेरा निवेदन है कि युवा ही देश का परिवर्तन किया है, यह नियम है सदियों से। जो युवा आज जो है वो रास्ता विहीन हो चुके हैं, जैसे मोबाइल और सिगार और मोटरसाइकिल तीन को ही पसंद करते हैं, जो गलत रूप दे रहा है। मेरा कहना है कि मोबाइल पर बहुत ऐसी चीज आती है जो समाज सुधारा जा सकता है, उसे नहीं देख करके वो गलत चीज देखने लगते हैं, जो छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि युवा को बड़े बुजुर्ग से गांव में समझना चाहिए कि आपके समय से अब तक क्या क्या गुजरा है, उनसे सामाजिक इतिहास ज्ञान प्राप्त होगी और देश का इतिहास का जानकारी मिलेगा, जिससे सावधानी होकर के वह समाज अच्छी समाज बनाने में उनका जो योगदान बढ़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ युवाओं को कि बड़े बुजुर्ग से जरूर मिले और बड़े बुजुर्ग से जो उसे चेतन मिले उस चेतन को अपने अंदर रखते हुए समाज सेवा में ध्यान दे। काम तो घर के लिए करना ही है, लेकिन काम करते करते भी समय निकाल करके ऐसा किया जा सकता है। और सब करते हैं, जैसे ताश खेलते हैं मीटिंग में बुलाया जाए, बैठक में बुलाया जाए तो कहते टाइम नहीं है, जैसे मोबाइल पर चार चार घंटा टाइम दे देते हैं लेकिन आधा घंटा एक सामाजिक विचार पर बात करने के लिए समय नहीं देते हैं। यह इसका सोचना होगा कि यह सोचने से इतिहास बनेगी, इधर आइएगा तो इतिहास बनेंगे, उधर जाइएगा तो आप बेकार बनेंगे, समाज में भी आपको स्थान नहीं मिलेगा और समाज आपको अच्छी नजर से नहीं देखेगा। इसलिए पूरा निवेदन है कि सारे नौजवान जो भी सुनते हो हमारी बात उस पर ध्यान देंगे कि कहा गया है कि 5 साल का ब्राह्मण जाति के लोग जो होते हैं वो इतिहास हजारों साल का जानते हैं, लेकिन पिछड़ी जाति का 50 पार करने के बाद भी 3 पीढ़ी का इतिहास नहीं जानता, जिस कारण से वह राजनीति करने में नहीं बनता है, न समाज सुधारने में बनता है, न अपने आप को पहचानने में बनता है। यही कारण है खास करके कि अधिक संख्या के बाद भी बहुत सारे लोग दयनीय स्थिति में जी रहे हैं,
गरीबी में जी रहे हैं और नाना प्रकार का तबाही मिल रही है, जबकि 12 घंटा खटने का बाद भी सही से इनका मेंटर नहीं हो पा रहा है। यही सोच की कमी है, संगठित नहीं होंगे तो गड़बड़ रहेगा और यह गड़बड़ी सबको छाते चला जाएगा और सब परेशान हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग समाज सेवा की ओर बढ़िए और अच्छी समाज बनाइए। मैं भरत पात्र। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि समस्या मानव की वजह से है और मानव ही इसका समाधान करेगा। उन्होंने कहा था कि मैं स्वर्ग का सपना नहीं दिखाऊंगा और न ही नरक का डर दिखाऊंगा। तो इन सब बातों को पढ़िए और मोबाइल पर कुछ अच्छी अच्छी चीज भी आती है, उसको जो है सो जानिए आप। और आपके पास मौका है, आप अपनी समस्याओं को, आप अपने मुद्दा को मोबाइल पे उठा सकते हैं सोशल मीडिया के दौर पे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपको जय हिंद।